गाइज हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज पता जिस कार में अभी मैं बैठा हूँ, पूरी बात सुन के जाना यार, थोड़ा टाइम लगेगा सुन के जाना। ओनली वन ये मिडिल क्लास और पुअर लोगों की बात आज होगी। जिस कार में मैं बैठा हूँ, इसको लेने में बहुत ही मेहनत लगी यार। परसों सामने पार्किंग बन रहा है नया, तो उसमें लगी हुई थी कार। मम्मी से मैंने पूछा कार पे, मतलब हाथ रख के, मम्मी क्या पता है, मतलब कि पता था आपको कि मैं ये कार ले लूँगा, मतलब कभी सोचे थे कि मैं कार ले पाऊँगा? तो मम्मी क्या क्या जवाब होता है, कोई सोचता थोड़ी है। तो भाई ऐसे ही कुछ हमारी भी लाइफ थी। कुछ अता पता नहीं था, बहुत सारे फोटो हैं पहले के, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब बहुत नीचे स्तर पे, मैं भी कभी नहीं सोचा था यार कि मैं ये कार लाऊंगा। पहले भी मैं सब की तरह, जैसे सब भटकते हैं वैसे मैं भी भटका हूँ। बहुत जगह काम किया हूँ, बहुत पकड़ा हूँ छोड़ा, बहुत उतार चढ़ाव आया है। लेकिन लास्ट में बोलते हैं ना कि मतलब भगवान नहीं मिलते, भगवान के रूप में जरूर कोई ना कोई मिल जाते हैं। तो वैसे ही मेरे एक बड़े भैया है, विक्की भैया नाम उनका है, उनका फ़ोटो कहीं कहीं आया होगा, वो ज़्यादा वीडियो में आता नहीं है, ठीक है। तो उनका साथ मिला, एक भगवान के रूप में बोलो, भाई के रूप में बोलो, उन्हीं के सहायता से सब कुछ आ पाया है। बाकी और आगे मैं आपको बताता हूँ। आज मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए इसलिए बोल रहा था, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बताइएगा, एकदम रियलिटी बात है। पहले जब छोटा था ना, तो मम्मी को बोलता था, मम्मी थोड़ा सा हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है तो नॉइज प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी यार। मम्मी कपड़ा लेना है, तो पता है माँ क्या बोलती थी, अच्छा दीपावली में ले दूँगी, अच्छा होली में ले। रियलिटी बात ये थी कि उस समय पैसा ही नहीं होता था लेने का, समझता मैं भी था, लेकिन था तो यार बच्चा ही ना। तो ये हर किसी के साथ होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। फिर कुछ दिन बाद बहुत सारे दिक्कतों को झेला, उसके बाद बहुत जगह काम करते 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 फिर कार लिया, मैंने शुरू में बाइक लिया, फिर अपना कार लिया, और आज फिलहाल दो मंजिला घर बन चुका है अपना। और दूसरी बात ये है, इस प्रॉब्लम को हर मिडिल क्लास झेलते हैं, जो भी नीचे से ऊपर आए होंगे उनको पता होगा, यही सिचुएशन सबके साथ आता है। अगर मैं रियलिटी बोल रहा हूँ यार, तो एक सब्सक्राइब कर देना और दूसरों का हेल्प करते रहो यार। हेल्पिंग नेचर रखोगे तो सब कुछ आगे होगा, क्योंकि मैं शुरू से इसी तरह हेल्प किया था, तो देखो मुझे एक भैया मिले जिनके कारण मैं सारा कुछ कर पाया और अच्छे अच्छे दिशा की ओर ले जा रहे हैं। उसी तरह सबका सपोर्ट करो, हमारा भी कर दो अगर मन करे तो, अगर मैं रियलिटी बोला हूँगा तो। गाइस ये देखिए मेरा पुराना रूम, ये इसी में मैं रहता था, ये थोड़ा बन गया था। तो राजू आया था रात को 12 बजे यार उस दिन, ये अपना घर बना रहा था। मैं हूँ यार, ये मैं हूँ। गाइस ये पापा मम्मी पूजा कर रहे हैं घर बनने के बाद। ये सब चीज़ होने के बाद यार कुछ कुछ अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, मेरा दुकान जाने वाला था जिसके लिए मुझे पैसा लगाना पड़ा, और इधर घर में भी पैसा लग चुका था, बहुत सारे सिचुएशन थे। कार का किस्त करीबन मेरा 3 साल से, मैं उस समय यूट्यूब पे नहीं आया था, यूट्यूब स्टार्ट करने बहुत दिन पहले से सोच रहा था, बट अभी जाके स्टार्ट किया हूँ। 2 साल पहले से सोच रहा था कार लेने से पहले, बट कर नहीं पाया था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँगा क्या डालूँगा, मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं था। लेकिन 2 साल बाद स्टार्ट किया हूँ, तो देर आए दुरुस्त आए पता नहीं, अब आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो पता चलेगा क्या है, देर है दुरुस्त है क्या नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ख़राब है थोड़ा सा दुकान उकान को लेकर, ऐसा बात नहीं कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, कमाई है मेरा, आउट इनकम है, ये नहीं कि यूट्यूब से तो एक पैसा भी अभी तक नहीं, अभी हूँ मोनिटाइज ही नहीं हुआ है तो पैसा कहाँ से आएगा, इसी सी बात है। और यूट्यूब इसलिए आदमी खोलता है यार कि आगे बढ़े, थोड़ा सा सक्सेस करे। अब बाकी एक भाई का कल कमेंट था कि कहीं दूर जाओ ब्लॉग बनाओ जगह का, तो वो सब मैं जाता हूँ, बट अभी कुछ कमियों के कारण नहीं जा पा रहा हूँ। भाई ने बहुत अच्छा बोला, बट थोड़ी सी टाइम लगेगी, मैं एक्सप्लोर करूँगा दूसरे जगह का भी, क्योंकि ज़्यादातर मैं जंगल वंगल घूमता हूँ, उसमें मेरे को मज़ा आता है, सुकून आता है, तो उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँगा। तो फ़िलहाल तो यही है, तो फ़िलहाल चलेगा। तो भाई हेल्पिंग नेचर रखिए, हेल्प कीजिए सबका, और इसीलिए मैं ये बोला कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वीडियो है, और जो गरीब हैं उनके लिए है। घबराना नहीं है यार, गरीबी सबके साथ होता है,
बट आगे बढ़ते जाओ। मुझे भी पता नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, बट अपने अपने सारा कुछ होते जाता है, सब कुछ होते जाता है भाई। बस तुम अच्छा ही करो, सारा चीज़ होते जाएगा। अरे इतना कुछ होने के बाद भी अभी भगवान के दया से सब कुछ है हमारे पास, अपना घर और कार बाइक ये वो सारी सुविधा है, घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आज तक न हमारे मम्मी में न पापा में किसी में आज तक कोई भी परिवर्तन या कोई भी घमंड वाली चीज़ कुछ भी अभी तक तो नहीं है। और भगवान से दुआ है कि इतना ही बनाना जिसमें घमंड ना आए, और भगवान करे कि कितना भी बना दें, कितना भी ऊंचाई की ओर ले जाए, लेकिन घमंड कभी ना आए। सब कुछ होते हुए भी अभी घमंड नहीं आया है और उम्मीद करूँगा कभी नहीं आए। और अगर YouTube से मैं पैसा कमाया तो ये तो गारंटी देता हूँ कि आप लोग देखोगे कि उस पैसे का यूज कहाँ कर रहा हूँ, किसी अच्छे जगह करूँगा सोच के रखा हूँ। हाँ पूरा तो नहीं, कुछ अपने लिए भी रखूँगा, लेकिन कुछ सोचा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ सोचा हूँ। आप लोग देखते जाओ, अगर हुआ सक्सेस तो बहुत चीज़ करूँगा सोचा हूँ। दोस्तों हंसते खेलते मस्ती करते और आप लोगों को अपना पुराना दिन बताते, मिडिल क्लास की सच्चाई बताते हुए आज दिन गुजर गया। सो गाइज सब्सक्राइब कर ले और भी मज़ेदार मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि सब ब्लॉग लगभग लगभग मज़ेदार ही रहेंगे। अब लोगों पे डिपेंड करता है किसको पसंद आए किसको ना पसंद आए। जिसको नहीं पसंद आए वो भी सब्सक्राइब कर लो, और जिसको पसंद आए वो भी सब्सक्राइब कर लो यार। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।